और एक और इसमें हिडन फीचर है जो मैं अभी आपको इस वाले फीचर के बाद बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब हम अपनी कार में रिवर्स गियर को डालते हैं और हमारी गाड़ी आवाज करती है, वो जो हूटर होता है वो बजता है, उसको कैसे बंद कर सकते हैं हम गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगा रहता है और हमारे रिमोट में ये 4 बटन दिए गए रहते हैं, 2 बटन तो हमारे लॉक अनलॉक के रहते हैं और जो 2 बाकी के बटन है उनका क्या यूजेज है, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आ गया है, ऊपर वाला सबको नए साल में ढेर सारी खुशियां दे। तो नव वर्ष की सभी को सलीम की गली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों अब कर लेते हैं वीडियो को शुरू। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, जो मेरी गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है वो गार्डियन कंपनी का लगा हुआ है। मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फोकस करके, रिमोट के पीछे लिखा हुआ है गार्डियन, ठीक है। तो हो सकता है सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आपकी गाड़ी में किसी और कंपनी का भी लगा रहेगा, ठीक है, या फिर आपने आफ्टर मार्केट लगवाया होगा। लेकिन अगर आपके रिमोट में 4 बटन दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, एक लॉक का, एक अनलॉक का, और यहाँ पर हैज और स्टार, ठीक है। ये मैं पास से एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो लॉक अनलॉक स्टार हैज, ठीक है। लॉक अनलॉक तो सभी जानते हैं, इसका कोई बताने की जरूरत नहीं है। जो स्टार और हैज वाला बटन है उसका क्या यूज है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो स्टार और हैज वाले इसमें बटन दिए गए, इनसे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। दिन में तो इनका कोई खास यूज नहीं है, रात के टाइम में ये कभी आपके काम आ सकता है, वो भी कभी जब आपको अपनी गाड़ी कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर अंधेरा है और आपने अपनी गाड़ी खड़ी करी है और वहाँ पर और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, तो जल्दी से आपको आपकी गाड़ी नहीं मिल रही है। वैसे तो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जो हमारी गाड़ी में लगा है उससे भी हमारी गाड़ी मिल जाएगी, पर अगर हमें बिना आवाज़ करे अपनी गाड़ी को ढूंढना है तो स्टार और हैज में से कोई भी एक बटन को हम दबाकर अपनी गाड़ी को ढूंढ सकते हैं। जैसे ही हम कोई भी अपनी गाड़ी का एक बटन दबाएंगे स्टार और हैज में से, हमारी गाड़ी से कोई आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन जो हमारी गाड़ी के अंदर जो इंडिकेटर लगे हुए हैं, पीछे टेल लाइट में 2 लगे रहते हैं, 2 साइड में लगे रहते हैं फेंडर में और 2 आगे हेडलाइट में लगे रहते हैं, तो ये 6 के 6 इंडिकेटर ब्लिंक करने लगेंगे लगभग 1 मिनट तक। जब तक हम इसको दोबारा प्रेस करके बंद नहीं करेंगे तो वो बंद नहीं होंगे। तो जैसे ही इनमें से हम कोई भी एक बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा इंडिकेटर ब्लिंक करने लगेंगे, मतलब 6 के 6 इंडिकेटर। मैं अभी आपको ये साइड वाला ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने को प्रेस करा और यहाँ पर देख सकते हो ये इंडिकेटर हमारा काम करने लगा है, ठीक है, और गाड़ी भी हमारी लॉक हुई पड़ी है। तो आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सभी इंडिकेटर हमारे वर्क करने लगते हैं, ये देख सकते हो। मैं इसको अभी बंद करके भी दिखा देता हूँ यहाँ से, अगर इसको आपको बंद करना है तो दोबारा से कोई भी इन दोनों में से एक बटन को दबाकर बंद कर सकते हैं, या फिर लॉक अनलॉक का कोई भी एक बटन दबा के इसको बंद कर सकते हैं। ये बंद हो गया, बाकी सिचुएशन के ऊपर रहेगा, जैसे आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। तो ये तो था इन दोनों बटन का काम, ठीक है। और अब बात आ जाती है, जब हम अपनी गाड़ी को कभी रिवर्स में लेते हैं बैक गियर डालकर, और हमारी गाड़ी में जो सेंटर लॉकिंग सिस्टम के साथ जो हूटर लगा रहता है वो आवाज़ करता है टू 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 ऐसे करके, ठीक है, तो उसको हम कैसे बंद कर सकते हैं। तो मैं पहले अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेता हूं, उसके बाद मैं रिवर्स गियर अभी डालकर दिखाऊंगा। तो ये चाबी है और मैं अभी लगाकर यहां पर इग्निशन को ऑन कर देता हूं। ये मैंने इग्निशन को ऑन किया, वहां पर मीटर में लाइट आ गई है और हमारे डोर भी अभी लॉक हो जाएंगे, ये हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं बैक गियर डालूंगा तो हमारा जो हूटर लगा हुआ है सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम का वो बजने लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं अभी आपको एक बात और बता देता हूँ, जो मैंने अपनी गाड़ी में पार्किंग सेंसर इंस्टॉल किए हुए हैं वो भी साथ में आवाज़ करने लगेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी के ठीक पीछे एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं बैक गियर डालूंगा तो मेरा जो पार्किंग सेंसर का मॉनिटर लगा हुआ है वहाँ से भी आवाज़ आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ इग्निशन को ऑन किया है। इग्निशन को ऑन करने से ही सारी चीज वर्क करने लगती है गाड़ी में। तो अभी मैं यहां पर बैक गियर डालकर दिखाऊंगा, ये मैंने ऐसे किया और यहां पर रिवर्स गियर को लगाया, तो जैसा कि देख सकते हो आपको सेंटर लॉकिंग सिस्टम की आवाज आ रही होगी, साथ में ये आवाज कर रहा है, ठीक है, जो मेरा मॉनिटर लगा हुआ है पार्किंग सेंसर का, तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। इससे मुझे भी इरिटेशन होने लगती है जब ज़्यादा देर तक ये ऐसे लगातार बीप की बीप का साउंड आता है, ठीक है। मैं एक बार इसको रिवर्स गियर से निकाल देता हूँ, ओह कितनी तेज़ बोलता है ना ये सच में तो ये तो ऐसे साउंड करता रहेगा, इस पे मत जाना, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बैक गेट डालकर दिखा देता हूँ और जो हमारे हूटर का साउंड है उसको कैसे बंद करना है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बैक गेट को डाल लेता हूँ और ये हमारे हूटर की आवाज़ आने लगी है, ठीक है। और इस हूटर की आवाज़ को बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये की है इसमें जो हैज का बटन रहता है, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ, जो ये हैज वाला बटन है इसको जैसे प्रेस करेंगे एक बार,
तो ये हूटर का साउंड बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मैं एक बार इसको गियर से निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गियर को निकाल दिया है और इसको दोबारा से चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा से इसका रिवर्स गियर डालता हूँ और फिर से अपने इसी रिमोट से यहाँ पर हैश बटन को प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोबारा से होटल का साउंड आने लगेगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। कमेंट करके बताना इसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है या सेंटर लॉकिंग सिस्टम की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। मैं गियर से निकाल देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। ठीक है, तो रिवर्स गियर का साउंड कैसे बंद करना है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने तीसरी बात आपको बताई थी, इस वाले रिमोट में हमारा जो हिडन फीचर है वो क्या है वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ। और इसका जो हिडन फीचर है वो है लॉक अनलॉक से, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पर देख सकते हो मेरी गाड़ी अनलॉक है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लॉक करता हूँ, ये मैंने लॉक कर दी और साउंड भी आपको आ गया है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको अनलॉक करूँगा तो अनलॉक हो गई और साउंड भी आ गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है हमें अपनी गाड़ी को बिना साउंड के अनलॉक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वही फीचर इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया है। ठीक है, और अब मैं इसको बिना साउंड के अनलॉक करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये जो स्टार वाला बटन है इसको एक बार प्रेस करना है और अनलॉक के बटन को दो बार। ये देखो अनलॉक हो गई गाड़ी, यहाँ पर आपने देखा लेकिन कोई साउंड नहीं आया। अब मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ दोबारा से, ये आवाज़ आई है लॉक करने पे और अनलॉक करने पर हूटर की आवाज़ दो बार आई है। जब भी हम अपनी गाड़ी को अनलॉक करते हैं हूटर की आवाज़ दो बार आती है। तो अभी मैं इसको फिर से लॉक करता हूँ और इसको अनलॉक करके दिखाता हूँ बिना साउंड के, ध्यान देना। ठीक है, तो ये मैंने स्टार का बटन दबाया और दो बार अनलॉक का, अनलॉक हो गई गाड़ी लेकिन हूटर की आवाज़ नहीं आई। तो ये इसका एक हिडन फीचर था जो कि 90% लोग नहीं जानते होंगे जिनके पास ऐसे वाला रिमोट रहेगा। ठीक है, और जो लोग इस फीचर को जानते थे पहले से ही कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।